के बाद मेरे को रोस्ट वीडियो बनाया था ना तुमने। लबोसडी के बेटे बेटे ना बेटा मौज कर दी ए वाह मेरे वाह रे शेर तुम तो तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ायदे की, फिर रिप्लाई करेंगे छमिया को। तो फ़ायदा यह है, देखो अगर आपके व्यूज़ नहीं आते, 2, 3, 4, 10 व्यूज़ आते हैं तो आपको तुम्हारा भाई निंजा टेक्निक बताएगा, उसे फॉलो करो और आपके व्यूज़ पक्का 100, 90, 50 आएंगे। और टेक्निक जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो और छमिया, ये रिप्लाई वीडियो है, रोस्ट नहीं है, तो ये तो रिप्लाई और रोस्ट में फ़र्क ही नहीं पता। चलो कोई नहीं, मैं बोल ये है ना यूट्यूब है, इसी प्रतिबल का ऑफिस में एक सबूत मांग रहा है। सो गाइस इस छमिया का कहना है कि मतलब ये यूट्यूब है, यहाँ पे कोई सबूत वबूत की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब गाइस हम पागल थे जो 2-2 घंटे बैठ के सबूत ढूंढा करते थे वीडियो बनाने के लिए, अब तो सबूत नहीं, बस सुबह उठना है, मुँह हाथ धोना है, वीडियो बनाने बैठ जाना है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बंदा सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें बस अपनी बातें पहल देनी है वीडियो में, बस बन गई वीडियो, सबूत की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बना दो वीडियो। तो गाइस छमिया मतलब उस बात को समझा नहीं, तो सुन तू अपना टाइटल देख, टाइटल समझ रहा, टाइटल क्या होता है, और टोटल गेमिंग का टाइटल देख, और तू अपना थंबनेल देख और देसी गेमर का थंबनेल देख, और अपने डिस्क्रिप्शन देख और बैच 99 की डिस्क्रिप्शन देख, तब पता चलेगा तेरे को क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो गाइस आपको मैं ही दिखा देता हूँ, ये तो दिखाने से रहा तो मैं दिखाता हूँ, रुको। अबे गांडू गया नहीं ज्यादा ज्ञान मत पेल, तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का तेल, मेरी बंदी है हॉट, तेरी बंदी है फेल, अब स्टेशन में जाके किसी छक्के को पेल, पूरा खिदिरपुर मेरे को डिस कर रहा, मैं तो आइटम को अपने किस कर रहा, और क्या बोला हम धदार। छमिया समझ गया ना इस बात को, तुम्हें क्या कहना चाह रहा था, अगर अभी भी नहीं समझा तो छमिया ही है, छोड़ तेरा कुछ नहीं हो सकता। सो गाइस करते हैं फायदे की बात, अगर आपके वीडियो के व्यूज नहीं आता तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक वीडियो डालनी है, सैम लोड एक्सपोज, अभी आपको इससे क्या होगा। तो चलो आपको मैं व्यूज दिखाता हूँ किस तरह आते हैं हमको एक्सपोज या फिर रोस्ट करने में। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। कैसे क्रिंच बोल सकते हैं, अरे भैया मतलब तू बना है तो वो चलता है, मैं बनाऊँ तो नहीं चलता। अच्छा ये कौन सा क्रिंच, ये कौन सा यूट्यूब का नया फोकसिंग हो गया कि, अरे कहना क्या चाहते हो। तो भाई ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेजेंट लाइट मोशन वाली वीडियो है उसे मैंने क्रिंज बोला, अब क्यों बोला ये भी नहीं समझा, इसे भी समझाते हैं, और कह रहा है कि तुम डालो तो सही है, मैं डालो तो गलत है, तो हम पहले से दिखाते हैं इसमें और हमारे बीच में क्या फ़र्क था उसकी और हमारी वीडियो में। सो भाई जैसा कि आप देख सकते हो ये वीडियो इसकी है ही नहीं, ये वीडियो आरब मेहता की है, एंड इसमें स्पेलिंग देखो क्या लिखी है, प्रेजेंट एल राइट मोशन, ऑल राइट मोशन एस एस, भाई बताओ। और अब बंदा बोलता है कि मैं क्रिंज बोल रहा हूँ, भाई क्यों नहीं बोलो क्रिंज, पहले तो कॉपी करता है, सेकंड तू टाइटल ढंग से नहीं लिख रहा। सो गाइस जो उसका लास्ट वाला एलिगेशन था खुशवंत भाई वाला, वो तो मुझे पहली बार की बात समझ नहीं आई, बोल क्या बोलना क्या चाह रहा है मतलब। सो सुन छमिए तू एक और वीडियो बनाई हो जिसमें सिर्फ सिर्फ वो वाली बात होनी चाहिए, तो मैं तेरे को रिप्लाई दूंगा, मेरे को तेरी वाली वीडियो में समझ नहीं आई। तो गाइस चलो अब मैं इसकी कुछ तुमको दिखाता हूँ बच्चों वाली हरकतें, आओ देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों को कमेंट सेक्शन में आके बोल रहा है, अगर इसमें इतनी सी भी अकल होती है तो हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करता, नहीं तो वीडियो में रिप्लाई करता अपनी, ना कि इस तरह। तो मैं लास्ट में भाई तेरे सिर्फ एक ही चीज़ में चाहूँगा, ये कोई रंडी कह रहा है, ये कोई रंडी कह रहा है। तूने जो मेरा पहला वीडियो दिखा है उसमें जब मेरा पारा चल रहा है, अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में,